हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। आपको जानकर खुशी होगी कि आप यूपी के स्कॉलरशिप ऑनलाइन करना शुरू हो गया है। उसका ऑनलाइन आवेदन जारी हो चुका है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चूँकि अभी किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर भी सकते हैं तो आप जो रिजल्ट का ऑप्शन होता है उसको छोड़कर आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपना स्कॉलरशिप। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने में, और इसका लास्ट डेट कब है, और कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे क्या नोटिफिकेशन आया है इसको यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में ओपन करके इसको typee.nic.in आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए upscholarship.up.gov.in आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो यूपी गवर्नमेंट का होगा। तो ये लोडिंग ले रहा है, जैसे ही खुलता है हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, क्या नोटिफिकेशन आया है इस वीडियो में। तो ये रहा यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली एवं दशमोत्तर यहाँ पे देख सकते हैं एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन आपको यहाँ पे करना है। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से क्या नोटिफिकेशन आया है, आप अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे इसको आप जान लीजिए। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइम टेबल 12 जुलाई 2021 और 7/12/2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में क्या नोटिफिकेशन है, आपको इसको पूरा तरह से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएगा कि इसका लास्ट डेट कब है और कब, क्योंकि इसमें बहुत लंबा स्टेटमेंट है इसलिए हम इसको पढ़कर सुना नहीं सकते, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आप मोबाइल में करना चाहें तो मोबाइल में भी आप डेस्कटॉप साइट ओपन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में आप, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम फिर यहीं पर आएँगे। उसके बाद आपको ये पोस्ट मैट्रिक है, आपको प्री मैट्रिक में आ जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्री मैट्रिक का डाउनलोड हो जाएगा स्टेटमेंट, आप उसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा पूरी तरह से। आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हम आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट में आपका आपका पहले नंबर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसके बाद आप टेंथ का, अगर आप टेंथ नाइन्थ का भर रहे हैं तो आप नाइन्थ का मार्कशीट लगाएंगे, टेंथ का तो टेंथ का, जो जिस क्लास का भी भर रहे हैं आप उसका मार्कशीट लगाएंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आपको बैंक पासबुक चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड नंबर चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है, तभी आपको इसमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आने से पहले आप इस सारी चीज़ों का व्यवस्था अपना कर लें, उसके बाद आप रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आप आएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट रख लेना है, आपको आय जाति निवास बनवा लेना है, और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मार्कशीट, यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी नोटिफिकेशन दिया है कुछ, तो आप पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके उसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका कल तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कल 25 जुलाई है तो आपको कल रिजल्ट आ जाएगा 12 बजे तक। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताना था बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।